नमस्कार, आपकी आपके परिवार के किसी सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और क्योंकि पेशेंट में हल्के लक्षण हैं या फिर वो लक्षण रहित हैं, इसीलिए डॉक्टरी जांच के बाद पेशेंट को होम आइसोलेशन की इजाज़त दी गई है। पेशेंट परिवार के अन्य सदस्यों से दूर ही रहे, इसीलिए अगले 10 दिन तक पेशेंट को एकदम अलग कमरे में ही रहना होगा। कोशिश करिए कि कमरा ऐसा हो जिसमें खिड़कियां हो। पेशेंट हमेशा 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क या N95 मास्क लगाकर ही रखें। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के गद्दार नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह का कोरोना से हुआ निधन। लखनऊ के मेडीलैंड हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज के दौरान हुआ निधन। करीब 2 बजे के आसपास हुआ निधन। पूर्व मंत्री के मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऐसा माना जा रहा है कि इनका अंतिम संस्कार अयोध्या में होगा। आइए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता हामिद के पास। मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं आज की 4 लाइव न्यूज 18। मैं गोंडा से वो दिखाना चाह रहा हूं, आज शोक की वो लहर है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा कोरोना ने जकड़ रखा था, और किसको जकड़ रखा था? समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता जो मुलायम सिंह यादव के बहुत चहेते बहुत करीबी पंडित विनोद कुमार पंडित सिंह और पंडित सिंह, इनका आज निधन हो गया। इलाज के दौरान, इलाज काफ़ी दिन, लगभग 15 दिन चला, और वेदांता हॉस्पिटल की पूरी टीम लगी रही, मगर उनको बचाया ना जा सका, और काफ़ी दुखद है। और यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है इनके आवास पे, जो आवास विकास कॉलोनी में पटेल नगर घुसियाना के बगल में, वहीं पे मैं खड़ा हूँ। आज वही दिखाना चाहूँगा, यही एक हवेली है जहाँ पे ये निवास करते थे, और इनका पैतृक घर मतलब गांव जो है वो बल्लीपुर है, वहीं के रहने वाले हैं। ये समाजवादी पार्टी में एक ऐसा छवि बन गई थी जो आज मतलब सभी समाजवादी प्रशंसकों का और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी आके यहाँ से चले जा रहे हैं मायूस होके, और उनके नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। ये है कि अब उनकी मिट्टी जो है आने वाली है, और देखे क्या कहाँ पे उनका होता है अंतिम संस्कार, और देखते हैं उनके प्रशंसक एक यहाँ पे खड़े हैं, उनके चाहने वाले, उनसे जानना चाहेंगे कि वो उनसे कैसा लगाव रहा। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेलाराम चौरसिया है, मेरा घर सालपुर सेमरा में है। माननीय मंत्री जी एक बहुत अच्छे गरीबों के मसीहा थे, सुबह में हर सुबह से शाम तक मिलने वाले थे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पब्लिक से मिलते थे, सबका समाधान करते थे, सबका निवारण करते थे, बहुत अच्छे हैं। उनकी कमी आज पूरी नहीं हो पाएगी। ये थे चौरसिया जी जो बता रहे थे, उनकी कमी जो है विनोद कुमार और पंडित सिंह की कमी पूरी नहीं हो सकती है, नहीं की जा सकती है। ये ऐसे मतलब देखते जिनकी क्षतिपूर्ति किसी न किसी वजह से कहीं से नहीं पूरी हो सकती है, एक ऐसे ही थे गद्दावर नेता थे समाजवादी के। मगर इनका एक तकिया कलाम था जो ये हमेशा कहा करते थे, न खाता न बही, जो पंडित कहे वही सही। मगर ये जो है सभी के दिल में राज करते थे, और यहाँ गोंडा वासियों के जो देहात के रहने वाले हैं और शहर के रहने वाले सभी लोग उनका उनसे जुड़े थे, और उनका जो है उनसे जो है आगे का जो है राय लेते थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करते थे जो उनके साथ वाले थे। मगर आज वो नहीं रहे, इससे सभी लोगों को बहुत दुख है और दुखित हैं, और नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके लिए गोंडावासी सभी लोग यहाँ पे आए और चले गए, और यही आवास है जो आज खाली सूना पड़ा है बिल्कुल से, और देख सकते हैं आप बिल्कुल से सूना है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ पे हरदम भीड़ लगी रहती थी, सैकड़ों संख्या में हर वक्त यहाँ पे रहते थे उनके चाहने वाले, मगर आज वो नहीं रहे, तो चाहने वाले भी अपने अपने घर चले गए। और आगे क्या है, ऐसे सबको आना जाना है। कोरोना से बचाव के लिए लाइव न्यूज 18 आप लोगों से दरख्वास्त करता है कि सुरक्षित रहें और सही रहें और घर पे रहें, अपना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। लाइव न्यूज 18 आज की चाल का यही उद्देश्य है। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ